अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 13 शेयर करने लगी हूँ। इस क्वेश्चन के बनाने हैं हमने फैक्टर एक्स वाई की पावर 4 माइनस 3 एक्स वाई क्यूब माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर। तो सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इन तीनों वैल्यूज़ में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें। तो एक्स वाई सबसे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 नहीं है। अगर इसमें होता तो फिर हम 3 कॉमन ले सकते क्योंकि इसमें कोफिशेंट 1 है। तो हम सिर्फ वेरिएबल के ही वेरिएबल यानी कि एक्स एंड वाई में से ही कॉमन ले सकते हैं। ये एक्स वाई की पावर 4 है, यहाँ पे वाई की पावर 3 है और यहाँ पे वाई की पावर 2 है। तो जो सबसे लेस वैल्यू होती है ना पावर में उसी को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो उसी पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक्स वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया एक्स वाई स्क्वायर। जब वाई की पावर 2 बाहर चली गई तो बाकी रिमेनिंग यहाँ पे वाई की पावर 2 ही रह गई, माइनस 3 तो इधर ही रहेगा। एक्स हम बाहर कॉमन ले चुके हैं और वाई स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं। तो अगर 3 में से 2 माइनस करें तो वाई की पावर 1 रह गया, तो रिमेनिंग यहाँ पे माइनस 3 वाई बच गया। माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिमेनिंग माइनस 6 बच गया। एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।